यहाँ मौजूद तमाम मौजूद हजरात, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कल शाकिर भाई और फरीम दोनों मुझसे मिलने आए और मुझसे कहा कि साहब इस सोसाइटी में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बीजेपी वाला आया है, बहुत पैसे बांट के गया। तो मैंने उनसे कहा मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है, मैं चलता सबसे वसूल करता हूँ क्योंकि जिसने शहर को लूटा है अब उसको लूटने का वक्त आया है। तो मैंने शहर को नहीं लूटा है, इसलिए आप मुझे मत लूटिए। जिसने लूटा है उसको पक्का लूटिए, जब आएगा तो पक्का लूटना, बैंक अकाउंट नंबर देना, क्योंकि मोदी जी ने बोला सब व्हाइट पर धंधा करने का, चाहे डोनेशन भी हो तो व्हाइट मिलेगा। चलो इस बार आप लोगों की सोसाइटी में आने का मौका मिला। अब बोरा थाल तो आप कब खिलाओगे मुझे पता नहीं, पक्का रिसेप्शन हो जाएगी। तो आप लोगों के यहाँ तो कोई मुश्किलें है नहीं, परेशानी है नहीं, हाँ है कोई परेशानी? बोलिए। अरे जो कम्युनिटी लोगों को बांटती है वो मानती है, ये क्या बात है। खैर बहरहाल ये विधानसभा का चुनाव है और आप लोग जानते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ विधानसभा का, एमएलए का, और ये इलेक्शन लड़ने की मेन वजह है कि शहर के अंदर जो करप्शन बढ़ा है, जो अन्याय बढ़ा है, इनजस्टिस बढ़ी है। आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, व्हाट्सएप पे भी आया होगा कि किस तरह से इस शहर में अंधाधुंध कारोबार इस शहर में चल रहा है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं मुझे पता नहीं। मैनिफेस्टो यहाँ दिया है क्या ये सोसाइटी में? तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पिछले 30-35 सालों में हमने, मतलब वैसे तो 50 से 60 सालों में हमने और हमारी फैमिली ने क्या क्या किया है शहर में, और अगले 5 साल में मुझे जो करना है वो भी हमने अपने जाहिरनामा मैनिफेस्टो में लिखा है कि टोल नाका जो है उसको हटाना है दहीसर का। आप लोग का है तकलीफ उसकी? सभी को तकलीफ है, उस टोल नाके को हटाना है। भाईंदर से लेडीज स्पेशल की ट्रेन बढ़ानी है, भाईंदर से लोकल ट्रेन बढ़ानी है, मीरा रोड से लोकल ट्रेन शुरू करवानी है। आपके ऊपर कचरे के नाम पे डबल टैक्स लगा है, मालूम है आप लोगों को? उस टैक्स को हटाना है, गब्बर सिंह टैक्स को। शहर के अंदर पीने के पानी की जो समस्या है, पानी आधा घंटा आता है, अभी 20 मिनट आता है, हाँ, और आपका बिल 2014 में जितना आता था अभी उससे डबल आता है, सही है गलत है? तो पानी तो आया नहीं लेकिन बिल बढ़ गया। शहर में और भी सही चीज़ें हैं, जैसे कोर्ट की बिल्डिंग हमने बनाई वो वैसी पड़ी हुई है, अस्पताल हमने टेम्बा का बनाया वो 5 साल से कभी सरकार को दे रहे कभी सरकार वापस दे रही है, 3 बार मंत्री महोदय सब आ गए, उद्घाटन हुआ, हैंडओवर हुआ, मगर कोई भी किस्म की वहाँ पे आगे कामकाज पूरा नहीं हुआ। शहर में से जो कचरा उठाया जाता है उसकी परेशानी है। आपको मालूम है सिर्फ कचरा उठाने के लिए 5 साल में इन लोगों ने कितना खर्चा करना चालू कर दिया? 450 मेट्रिक टन कचरा होता था, अब 550 मेट्रिक टन हो रहा है। हम लोग जब कॉरपोरेशन में सत्ता में थे तो हम लोग 20 से 25 करोड़ रुपये साल का टेंडर निकालते थे कचरा उठाने का, अब इन्होंने 5 साल में 100 करोड़ रुपये साल का टेंडर निकाला। कचरा 20% बढ़ा, वो 6 साल का 125 करोड़ रुपये साल का, कचरा 20% बढ़ा, 450 से 550 मेट्रिक टन हुआ। तो टेंडर कितना बढ़ना चाहिए था? 20% बढ़ना चाहिए था कि नहीं? तुम्हारे लोगों का, बहुत से लोगों का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, आप लोगों का है ना, तो 20% बढ़ना चाहिए था, मगर बढ़ा कितना? 300%। म्युनिसिपैलिटी 750 करोड़ रुपए के कर्जे में गई मीरा भाईंदर 5 साल में, सिर्फ 5 साल में 750 करोड़ रुपए के कर्जे में म्युनिसिपैलिटी है। ये शहर के अंदर एक व्यक्ति जो लोक प्रतिनिधि है 25% कमीशन खाता है, कितनों को मालूम है? हाथ उठाना, आप सबको मालूम है कि 25% कमीशन एक व्यक्ति खाता है, लोक प्रतिनिधि खाता है,
और यही वजह है कि 750 करोड़ रुपए का कर्जा हुआ है और यही वजह है कि 750 करोड़ रुपए का एक 7-11 क्लब बना है। आप लोगों के सामने हिसाब, बोरा समाज तो हिसाब किताब में बहुत पक्के होते हैं। एक सेकंड में आपके समझ में आ गया कि भैया हर साल 125 करोड़ रुपए यहाँ से चोरी हुई और 125 करोड़ रुपए किधर गया, वहाँ गया। पूरे शहर में जमीन के रिकॉर्ड को 7-12 बोलते हैं, यहाँ पे पूरे शहर में 7-11 बन गया है। हर जगह आप बोर्ड देखो तो 7-11 का बोर्ड दिखता है कि नहीं। म्युनिसिपैलिटी का मैराथन हुआ, 65 लाख रुपया आपके टैक्स का पैसा म्युनिसिपैलिटी ने खर्चा किया, मगर जो मेडल बच्चों को और लोगों को पार्टिसिपेंट का दिया गया उस पर 7-11 क्लब लिखा था। पैसा किसका? जनता का। नाम किसका? खुद का। हम और हमारे परिवार ने इतने साल लोगों की सेवा करी, खिदमत करी, मगर पूरे शहर में कोई एक आदमी नहीं बोल सकता कि हमने किसी का एक रुपया खाया। या म्युनिसिपैलिटी में भ्रष्टाचार किया, या करप्शन किया, या किसी गरीब को, अमीर को, व्यापारी को कोई परेशानी की या सताया, एक आदमी नहीं बोल सकता। ये बोल सकते हैं कि मुजफ्फर हुसैन बहुत खड़ूस है, जो मेरा चेहरा ऐसा जलाली दिखता है, सही है ना? तो सही बात पसंद करता हूँ, साफ बात पसंद करता हूँ, साफ बात बोलता हूँ, झूठ और मक्कारी की बातें नहीं करता हूँ, जो होता है साफ कह देता हूँ। इसके लिए लोग शायद मेरे पीछे कहते होंगे, मगर उसकी साथ में ही आप लोग देख सकते हो कि 35 साल से राजनीति में हूँ और लगातार मुसलसल लोगों को चुन कर के लाते रहा हूँ। अगर लोगों के बीच में नहीं रहा होता, लोगों के दिल में नहीं रहा होता, तो शायद लोगों ने मेरे नाम पर या मेरे बोलने पर दूसरों को वोट नहीं दिया होता। तो ये बदनाम करने के लिए कुछ नहीं होता है तो इतना मुद्दा लोगों के सामने बोलते हैं। आपको इस शहर के मुस्तकबिल का फैसला करना है अगले 5 साल के लिए, और ये जो काम मैंने बताया है, आप 30-35 मुख्तलिफ काम है जो मैनिफेस्टो में दिए हुए हैं, आप देखिएगा, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि साहब ने जो बोला ये शहर से कंसर्न काम है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इस शहर के अंदर के करप्शन को और इनजस्टिस को हटाने के लिए। वो चुनाव बीजेपी का आदमी लड़ रहा है अपनी धन संपत्ति और अपने आप को बचाने के लिए। बीजेपी की जो बंडखोर इंडिपेंडेंट लड़ रही है, वो लड़ रही है अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी पर्सनल राइवलरी को खत्म करने के लिए। और मैं चुनाव लड़ रहा हूं शहर के लिए, आवाम के लिए, लोगों के लिए। ऐसे वक्त में मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूं कि आने वाले 21 तारीख को हाथ के सिंबल पे बटन दबा करके मुझे बहुमतों से चुन के भेजिए। इस शहर के अंदर का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो रुक गया है, उसे पूरा करना है, इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। ये शहर में हो रही इनजस्टिस, अन्याय का जो वातावरण है, एक दहशत का वातावरण है कि जब चाहे जहाँ चाहे जेसीबी लग जाती है, म्युनिसिपैलिटी आ जाती है, टपरी तोड़ देती है, दुकान तोड़ देती है, इंडस्ट्री तोड़ देती है, मकान तोड़ देती है, कोई नोटिस नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, गब्बर सिंह का कायदा चलता है। तो इसको, इस अन्याय को हमको ख़त्म करना है। 3 साल पहले 4 साल पहले भयंदर में इसी तरह से सब इंडस्ट्रीज तोड़ने का काम हो रहा था। ये हमारे अब्दुल भाई थे, मुकेश भाई थे, सादिक भाई थे, इन्होंने रात में आके मुझसे बताया कि सर ये इस तरह से ज़बरदस्ती सवेरे आते हैं, मशीन भी निकालने नहीं देते और इंडस्ट्री तोड़ देते हैं। गरीब चर्मगार लोग जो बेचारे रास्ते पे अपने जूता चप्पल सीने का काम करते हैं, उनकी टपरियाँ उठा के लेके चले जाते हैं। कोई गरीब आदमी हॉकर 200 साल से अपना माल सामान बेच रहा है, उसका सामान उठा के लेके चले जाते हैं। अभी तो बाउंसर्स रखे हुए हैं, वो सामान उठा के लेके चले जाते हैं। म्युनिसिपैलिटी में आप जाओगे पूछने को कि भाई मैं पेनल्टी भर के मेरा सामान लेके जाओ, तो वो सामान म्युनिसिपैलिटी में जमा ही नहीं होता है। भाजी सब्जी फ्रूट सामान कपड़े जूते लत्ते जो भी बेचारे ठेले पे गाड़ी पे माल सामान बेचते हैं, वो बल जबरी उठा करके लेके चला जाता है। ठीक है, लोग लगाते हैं, इलीगली भी लगाते होंगे, मगर उसका ये तरीका नहीं होता है कि आप आदमी का सामान कहाँ है वो सामान भी वापस नहीं देते। तो ये जुल्म है, ये जुल्म है, और जुल्म सहना
लड़ना अगर गुनाह है, जुल्म करना अगर गुनाह है, तो जुल्म सहना भी गुनाह है। और इसी जुल्म के खिलाफ में मैंने ये आवाज़ उठाई है और ये चुनाव लड़ रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों की मुझे जो है मदद मिलेगी, साथ मिलेगी, और आप लोग मेरे हक में हाथ उठा करके दुआ भी मांगोगे, क्योंकि ये लड़ाई जो मुल्क के अंदर एक माहौल बना हुआ है, ऐसे माहौल में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अकलियत के लोग सिर्फ 5% है, 5% और 95% मेजॉरिटी कम्युनिटी है। मगर मैं शहर में घूमता हूँ, अभी भी हमने शांतिनगर के पूरे मीरा रोड के सभी कम्युनिटी के लोगों को बुलाया था, इसलिए थोड़ा आने को लेट हुआ, 2-3 हज़ार लोग थे, सभी कम्युनिटी के, जलाराम बापा थे, स्थानकवासी थे, देरावासी थे, बापा सीताराम वाले थे, स्वामीनारायण वाले थे, वड़ताल वाले थे, मोगावीरा, बिलावरा, पण, पंजाबी, सिंधी, महाराष्ट्र, सभी तबके के लोग अभी थे। सबके मुंह से और सबके दिल से दुआ निकली कि साहब आपने शहर के लिए काम किया है और आपका हक बनता है और हम पूरी ताकत से आपके साथ। आप सभी लोग मेरे हक में दुआ कीजिएगा और आने वाले 21 तारीख को जरूर 100% वोट कीजिएगा, वरना आप लोग को लगेगा अभी फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे को इलेक्शन है, तो 4 दिन छुट्टी है, तो चलो आपने फिर ही आइए घूमने चले जाएंगे माथेरान, महाबलेश्वर, हाँ तो मुंबई ज्यारत को चले जाएंगे, वोट डाल के दुआ करने जाएंगे। दुआ तो आज से शुरू कीजिए और 24 तारीख तक पेटी और बटन और पूरा डिक्लेयर होने तक के दुआ कीजिए, कि दुआ में वो तासीर के बटन कहीं और दबाए ना, लेकिन दुआ रही तो उल्टा भी दब जाएगा। इनके पास तो इंसानी ईवीएम मशीन को सेट करने की मशीन है, मगर अपने पास तो आसमानी मशीन है, और उस आसमानी मशीन को आपकी सिर्फ दुआ की जरूरत है, उसकी चार्जिंग खाली दुआ से होती है। और ईवीएम का उल्टा पता है आपको क्या है? ईवीएम, मुजफ्फर विनिंग इलेक्शन। मुझसे सब लोग कहते हैं साहब ये तो ठीक है, सब हो जाएगा, मगर ईवीएम का क्या करेंगे? मतलब वो ऊपर वाला बैठा है ना, उसके आगे किसी की चलती है, उसकी मर्जी के आगे। और फिर मैंने बताया ये ईवीएम का उल्टा क्या है, मुजफ्फर विनिंग इलेक्शन। तो इसके लिए दुआ कीजिए और वोटिंग 100% कीजिए, घर का एक वोट भी होगा तो उसे मत छोड़िए। आप लोग इतनी रात भर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और सभी लोग बैठे रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।